तो भाई फाइनली जो ना TVS ने अपाचे RR 310 का ये नया मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब इस नए मॉडल में जो है ना नई चीज़ें क्या है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसी के साथ क्या इसकी प्राइस पड़ी है एंड ओवरऑल क्या कुछ नए चेंजेस इसमें अपने को अब देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ क्या ये नई RR 310 पहले से ज़्यादा पावर देगी या फिर पहले से ज़्यादा टॉर्क देगी या फिर टॉप एंड वगैरह, वो सारी चीज़ें जो ना इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को जो ना आप लोग एंड तक जरूर से देखना ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन ना आपको मिल जाए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बाइक है ना इसमें आपको ये एक नया कलर देखने को मिल गया है, जो कि आप ब्लैक टाइप ग्रे टाइप छोटा देख रहे हो ना, ये जो है ना एक नया कलर इसके अंदर आया है। उसके बाद इस बाइक के अंदर जो ना विंगलेट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लुक्स दे रहे हैं, उसी के साथ एरोडाइनमिक्स जो बढ़िया हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे RTDSE मतलब जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी सिस्टम जो इन्होंने इसके अंदर दिया है जिससे कि बाइक की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद क्विक शिफ्टर अपने को यहाँ पे मिल गया है, चाहे आप डाउन शिफ्टिंग करो चाहे अप शिफ्टिंग करो, आपको जो है ना क्लच प्रेस करने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद इस बाइक के अंदर और भी कई सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो ट्रांसपेरेंट क्लच का जो कवर इन्होंने डाला है ना, ये भी जो है भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ट्रांसपेरेंट क्लच मतलब जो है यहाँ पे ग्लास का इन्होंने कुछ दिया है जिससे क्या अंदर क्लच घूमती हुई कंप्लीट आपको दिखेगी ये कुछ इस तरीके से। तो भाई ये चीज़ भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। 38 PS का अब जो आपको पावर आउटपुट मिलेगा, जो पहले 34 PS मिलती थी ना अब 38 BHP की पावर मिलती है, तो जो पावर है ना वो पहले से बढ़ चुकी है। उसी के साथ आप लोगों को इस बाइक में 27 Nm का टॉर्क मिलता है एंड जो मेन चेंजेस है ना वो आप यहाँ पे देख लो। बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब आप शिफ्ट करो चाहे डाउन शिफ्टिंग वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एरोडायनेमिक्स विंगलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आ गया है, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम यहाँ पे आ गया है, रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलेगा जो RTDSE में बोल रहा था ना वो। उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड्स वगैरह मिलते हैं एंड क्लच कवर जो है ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेन ये चेंजेस हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें तब मिलेगी जब आप लाइक इसमें किट लोगे। तो यहाँ पे जो ना दो किट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले तो आपको मिल जाती है भाई डायनेमिक किट, ठीक है, उसके बाद डायनेमिक किट प्रो। तो दो किट यहाँ पे है। डायनेमिक किट में क्या है कि आपको फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टमेंट के साथ देखने मिल जाएंगे, उसके बाद में जो है आप लोगों को यहाँ पे टायर प्रेसिंग माउंटिंग सिस्टम मिल जाएगा एंड यहाँ पे ब्रास कोटेड जो है चेन मिल जाएगी। डायनेमिक किट प्रो में क्या मिलता है भाई, आपको जो RTDSE जो मैं बता रहा था ना स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह वो वाला जो है फीचर इसके अंदर मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी। तो प्रो आप लेते हो तो प्रो जो है आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, बट वहाँ पे सारी चीज़ें ही आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ना प्राइसिंग वगैरह भी अपन जान लेते कि क्या कुछ प्राइस जो है पहले से बढ़ी है एंड क्या कुछ है। पहले जो है ना जो प्राइस थी वो नॉर्मल की जो है लगभग 2,72,000 थी, जो अभी 2,75,000 हो गई। बाकी यहाँ पे रेसिंग रेड और ये सब कलर का आपने प्राइस देख ही लिया है। डायनेमिक किट जो 18,000 की मिलती है, डायनेमिक प्रो किट आपको जो 16,000 की मिलती है। तो ये कुछ जो है प्राइस रहने वाली है। बाकी रेसिंग रेप्लिका जो कलर है वो लेते हो तो 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बाकी आप ओवरऑल देख ही सकते हो। 2,75,000 आपको रेसिंग रेड विदाउट क्विक शिफ्टर आपको चाहिए तो इतने में पड़ जाएगा, तो सिर्फ 3,000 रुपये पहले से बढ़े हैं। बाकी जो है किट आप लेते हो तो उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा। बुकिंग्स वगैरह ओपन हो चुकी है, आप लोग इसको बुक कर सकते हो ऑनलाइन एंड डिलीवरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। इसको अपन चलाने वाले हैं जल्दी एंड वीडियो वगैरह शेयर करेंगे जल्दी आपके साथ रिव्यू वगैरह। तो तब तक के लिए भाई आप लोग वेट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।